आज चौपाटी घूमने गया और वहाँ से मच्छियों की गंध आने लगी, तो मैं चारों ओर देखा तो हज़ारों की तादाद में मच्छियाँ मरी हुई है, कुछ सांप भी मरे हुए हैं और पानी में बदबू आने लग गई है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण हुआ है। International bands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. देखिए, मैं आज चौपाटी घूमने गया और वहाँ से मच्छियों की गंध आने लगी, तो मैं चारों ओर देखा तो हजारों की तादाद में मच्छियाँ मरी हुई है, कुछ सांप भी मरे हुए हैं और पानी में बदबू आने लग गई है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण हुआ है, पानी दूषित हुआ है या कोई और भी कारण हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से चैनल हमेशा ये बात उठाता रहता है कि कभी मच्छियाँ मरती है, तो भी आपका चैनल ही इस प्रकार की बातें उठाता है, तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि पानी की जांच कराई जाए, उसकी गुणवत्ता की जाँच कराई जाए कि ऑक्सीजन मात्रा कितनी है उसमें, अगर ऑक्सीजन मात्रा कम है तो उससे भी मच्छियाँ मरती है, और जिस प्रकार से चारों ओर से दूषित पानी आ रहा है उन पर किस प्रकार से रोक लगा जाए, क्योंकि करोड़ों रुपये आनंद सागर पर खर्च हो चुका है और वो इसलिए खर्च हुआ कि आनंद सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। अगर इस पे प्रशासन को ध्यान देना होगा, निश्चित रूप से जीवों को बचाना होगा, और ये मच्छी और सांप मर रहे हैं तो इस पे भी एक जांच करानी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए और आनंद सागर को दूषित पानी से बचाना चाहिए। गोपाल बंजारा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कला सांस्कृतिक प्रकोष राजस्थान। मैं अजमेर आनंद सागर झील पुरानी चौपाटी के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे जब मैं घूमने आया तो मैंने देखा कि पानी के अंदर ढेरों मछलियाँ, पक्षी और सांप वगैरह मरे पड़े थे, और यहाँ का वातावरण ऐसा दूषित हो रहा है कि आम जन का निकलना मुश्किल हो चुका है, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और जिस प्रकार से सरकार स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करती है, वादे कर रहे हैं, उसको देखा जाए और यहाँ के वातावरण को देखा जाए तो लगता ही नहीं है कि ये सिटी स्मार्ट सिटी बनने लायक सरकार कोई कार्य कर रही है। यहाँ मछलियाँ हैं और भी अनेक पक्षी है, सांप है, इस प्रकार के जानवर मरे पड़े हैं पानी में। प्रशासन अभी तक तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, काफ़ी देर हो चुकी है मैं यहाँ घूमते हुए और इतनी स्मेल आ रही है कि लोग यहाँ से जाने लग गए हैं, और इतनी दूर दूर तक भी स्मेल आ रही है कि वातावरण इतना दूषित हो रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को क्या संदेश जाएगा? बाहर से आने वाले लोगों को ये संदेश जाएगा कि ये अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है और तो हम यहाँ पर घूमने चले, फिरने चले, अगर इस तरह का यहाँ पर दूषित माहौल होगा तो कौन घूमने आएगा यहाँ पर? इतनी स्मेल आ रही है यहाँ, इतनी स्मेल आ रही है कि पूछ नहीं सकता, आमजन का निकलना मुश्किल हो रहा, कोई रुक नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम शिवा देवतवाल। अभी आनंद सागर चौपाटी के यहाँ खड़े हैं, हालत तो बहुत बुरे है, मतलब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। प्रशासन स्मार्ट सिटी को लेके काफ़ी कार्य कर रहा है लेकिन साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने आनंद सागर का बरसात से पहले ही इतना पानी खाली कर दिया, अभी भी आज भी इन्होंने गेट खोल रखे और पानी का जलस्तर इतना कम हो गया, मछलियों को ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। अब यहाँ देखिए, पहले ही एक तो इतनी गंदगी की मार है, प्रशासन यहाँ पर साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी के कार्य काम कर रहे हैं, चारों तरफ पाथवे बना रहे हैं, लेकिन मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि वो इस ओर साफ सफाई की ओर भी ध्यान दे, जिस प्रकार यहाँ पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और आनंद सागर के किनारे जो है कचरा इकट्ठा हो रहा है इसको साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाए। अब ये कचरा इकट्ठा हो रहा है तो इससे यहाँ पे मछलियों की मौत हो रही है, मछलियाँ मर रही है और पानी का स्तर इससे काफ़ी कम हो चुका है। खाने पीने की वस्तु भी, हाँ, प्रशासन को इसके ऊपर ही बैन लगाना चाहिए। खाने पीने की वस्तु है जो इसकी पॉलीथीन वगैरह रहती है, वो जो भी मछली वगैरह को दाना वगैरह डालते हैं वो पॉलीथीन नहीं डाल देते, उससे हमारे यहाँ मछलियाँ खाती है तो उससे मछलियों की भी मौत होती है। अभी प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि वो स्मार्ट सिटी कार्य कर रहे हैं लेकिन ठीक है, अब साफ सफाई की और मेंटेनेंस की ओर भी ध्यान दे, कार्य बोलने के लिए तो कर रहे हैं, नए काम काफ़ी शुरू कर रहे हैं लेकिन जो पुराने काम करे हुए उसके और साफ सफाई का मेंटेनेंस का भी काफ़ी ध्यान रखे। कहने के लिए तो प्रशासन ने म्यूजिकल या फाउंटेन लगा दिया और लेकिन साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अभी हमारे यहाँ से पूरे अजमेर शहरवासी अब घूमने आते हैं, बाहर से जायरीन घूमने आते हैं तो इस तरह की गंदगी देखते हो तो हमारे शहर के लिए काफ़ी गलत मैसेज जाता है। अब काफ़ी संख्या में मछलियाँ मर चुकी है और बदबू भी काफ़ी आ चुकी है। अब दिखती बात है, यदि मौसम पहले ही उमस का हो रहा है और पानी का लेवल काफी कम हो चुका है, इससे मछलियां मर रही है तो काफी बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है। राहुल यादव।